आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर बक्सर में 75 मीटर लंबे मानव निर्मित भारत के नक्शे का निर्माण किया गया। एमपी हाई स्कूल में 14 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम ने विश्व कीर्तिमान बनाया, जैसा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया अटेम्प्ट संस्थान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने इसका प्रमाण पत्र भी कार्यक्रम के आयोजक सहराम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम के फाउंडर अश्विनी चौबे को सौंपा। बड़े ही जतन के साथ यह कार्यक्रम लंबे परिश्रम के बाद शहर के एमपी हाई स्कूल में 14 अगस्त की सुबह 8 बजे आयोजित किया गया था। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत लोगों के एकत्र होने की वजह से थोड़े विलंब से प्रारंभ हो सके, लेकिन यह अभियान सफल रहा। कहते हैं, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह प्रयास स्थानीय लोगों, राम कर्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के ओझा, इस कार्यक्रम के संयोजक रहे सौरभ तिवारी आदि के प्रयास से सफल रहा। उद्घाटन सत्र के दौरान हरियाणा की पर्वतारोही संतोष जाधव भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने दीप जलाकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ इसका शुभारंभ किया। एमपी हाई स्कूल के ग्राउंड में आयोजित इस विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम की झलकियां आप यहां देख रहे हैं। यह बक्सर के लिए गौरव का क्षण है, जब आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अर्थात अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। बक्सर ने 75 मीटर का विश्व कीर्तिमान बनाया। इसकी घोषणा वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के संजय नार्वेकर और सुषमा ने विधिवत रूप से की। और इस मंच पर उपस्थित सम्मानीय मान्यवर विद्यार्थी जन और अपने बक्सर वासियों, आज हम यहाँ 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। जैसे कि अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर वर्ष तिरंगा अभियान, इसके अंतर्गत श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम और जय भारत वंदे मातरम सोसाइटी द्वारा आयोजित सबसे बड़ा ह्यूमन मेड इंडियन मैप बनाया गया है, जिसमें 750 के ऊपर से अपने बच्चे हैं और लोकसभा के अनुसार ये अपना इंडियन मैप बन चुका है। और यहाँ पे दिस इज अ यूनिक एंड ग्लोरियस रिकॉर्ड, और हमें आज ये बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि अपना ये ह्यूमन लार्जेस्ट ह्यूमन मैड इंडियन मैप अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज हो चुका है। घोषणा के उपरांत इसका मेडल एवं प्रमाण पत्र राम कर्मभूमि न्यास के फाउंडर सह स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे को संस्था के लोगों ने सौंपा। इसके तहत दो प्रमाण पत्र और एक मेडल प्रदान किया गया है। आप इन तस्वीरों में, इस दृश्य में उन दोनों प्रमाण पत्रों को और मेडल को देख सकते हैं। समारोह के समापन के उपरांत सर्वेक्षण टीम के संजय नार्वेकर एवं स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे से मीडिया के प्रतिनिधियों ने बात की। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडियन ह्यूमन मेड मैप है, जिसमें 750 स्टूडेंट से ज़्यादा लोग सहभागी हुए थे। और इसका पहले जो इंडियन मैप जो बनाया गया था, इसका हमने सर्वे किया, आज भी सर्वे किया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट था, तो हमने ये फाइनल करके इसकी घोषणा की कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। आज राम कर्मभूमि न्यास ने जो ये कीर्तिमान बक्सर की जनता ने स्थापित किया है, 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जो यहाँ राम कर्मभूमि न्यास का एक विराट संगम होने वाला है, उस कार्यक्रम में सभी लोग जो स्कूली बच्चे वगैरह आए उनको पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि यह आयोजन यहीं समाप्त नहीं हुआ। एमपी हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर का भ्रमण किया। सूचना के अनुसार एक बाइक रैली भी निकाली गई है, जो नगर भवन से लेकर कथकौली मैदान तक गई। कथकौली मैदान में भी आज 14 अगस्त को झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाना है। आप शहर में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा की झलकियां देख रहे हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री ने वहीं एमपी हाई स्कूल के मैदान से रवाना किया। इस विशेष स्पेशल सेगमेंट में विश्व कीर्तिमान बनाए जाने के साथ आप सभी पाठकों को बक्सर खबर की तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।